नमस्कार दोस्तों, मैं आदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक विद ट्रू फैक्ट्स, कोरोना वायरस वैक्सीन, जिसका हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ये अब हम सब के लिए अच्छी खबर है, जो कि आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर 23 अप्रैल से शुरू हो गया है ह्यूमन ट्रायल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो वैक्सीन है कैसे काम करती है और कितनी कारगर है। कोरोना वायरस बहुत इजीली फैल जाता है, इसे इन्फेक्टेड होने वाले लोग डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम आज की बात करें इंडिया में, तो 28,000 के आसपास लोग हैं जो इसे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और मृत्यु दर है 800 के आसपास। तो इस वैक्सीन से हम लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिससे हमारी बॉडी है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्यूचर के लिए। और हो सकता है कि अगर रिजल्ट्स हैं वो सब पॉजिटिव आए, तो सोशल डिस्टेंसिंग में भी थोड़ी राहत मिल सकती है। अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्सीन है वो पहले देखेंगे कि कैसे बनी है, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो ये बनी कैसी है, कोरोना वायरस है जो उसके स्पाइक से, बेसिकली उसके सतह से एक जेनेटिक कोड ले लिया गया है, उसको हमने मर्ज कर दिया एक हार्मलेस वायरस के साथ और फिर बनाई गई है वैक्सीन। हमने देखा यहाँ पे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, जिसके अंदर आरएनए और डीएनए, जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो किसी भी लिविंग सेल की हिस्ट्री बताती है कि ये कब बना, कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या है, हिस्ट्री बताएगी बेसिकली प्रॉपर। अब हम ये देखते हैं कि ये ह्यूमन्स में इंजेक्ट होने के बाद कैसे काम करेगा। सबसे पहले इसे इंजेक्ट किया जाएगा वायरस के उस वाले हिस्से में जो सबसे वीक है, उसके बाद एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे टी हेल्पर सेल्स, और साथ में एक्टिवेट होंगे हमारे बी सेल्स, जो कि जाएंगे प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है, ये ब्लड के अंदर होता है, 55% होता है हमारे ब्लड में और येलोइश कलर का होता है। तो जो हमारे बी सेल्स गए हैं प्लाज्मा के अंदर, फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, ये पॉजिटिव अच्छे वायरस होते हैं हमारी बॉडी में, जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को सर्वाइव करने में। और हमारे एंटीजेंस क्या होते हैं, वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ख़राब वायरस होते हैं। तो जो बी सेल्स हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर गए हैं, वो मैच्योर होकर एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और जाके अटैच हो जाएंगे हमारे एंटीजन से, और धीरे धीरे उन्हें वीक करके उन्हें ख़त्म कर देंगे और क्रिएट कर देंगे मेमोरी सेल, जो कि इन फ्यूचर याद रखेगा कि हमें अगर इस टाइप का कोई भी वायरस इन फ्यूचर हम जिससे इन्फेक्टेड होते हैं, तो इससे इसके कैसे आउटकम, इसे कैसे बाहर आ जाए, इसमें क्या क्या प्रोग्रेस है। कम से कम 80 इससे ज़्यादा कंपनी मिलकर साथ में काम कर रही है वैक्सीन बनाने के लिए, और ऑक्सफोर्ड में 800 के आसपास लोगों पर ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है। वैक्सीन दी गई है, हाफ लोगों को दी गई है हमारी कोरोना की वैक्सीन, और कुछ को दी गई है कंट्रोल वैक्सीन, और किसी को भी नहीं बताया गया है कि किसको कौन सी वैक्सीन दी गई है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। दो सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हमारी सैनोफी एंड GSK जो साथ में मिलकर डेवलप कर रही है वैक्सीन, लेकिन अभी तक नहीं पता ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी। When will we have, हमें ये मेडिसिन कब तक मिल जाएगी। वैसे उम्मीद था, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये 12 से 18 महीने लग जाएं वैक्सीन आने में, मतलब 2021 के मिड में ये वैक्सीन मिलने के चांसेस थे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने इतनी मेहनत की है कि कुछ ही महीने में हमें ये वैक्सीन मिल गई है। जो ये वायरस है हमारा, इसका ऑफिशियली नेम है COVID-19 और वायरस का नाम है SARS-CoV-2। और इसमें क्या क्या काम है जो अभी होने बाकी है, हमें काम करना है, बेसिकली जो ट्रायल्स हैं, जो हमारे ट्रायल्स हो रहे हैं ह्यूमंस पे, अभी जो ऑक्सफोर्ड ने किए हैं 800 के आसपास ट्रायल, वो ट्रायल है वो सेफली होना चाहिए, इफ़ेक्टिवली होने चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो डिफरेंटली वर्क करता है। तो लार्ज स्केल पे जो हमारी वैक्सीन है, उसके बाद अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, तो लार्ज स्केल्स पे वैक्सीन बनना और रेगुलेट करना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो वैक्सीन है, ये दुनिया भर में जितने भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनमें से 60-70% लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। और ये जो मेडिसिन है, ये वैक्सीन है, ये हर एक एज ग्रुप के लिए काम करती है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या अडल्ट हो। लेकिन जैसे हमारे फ्लू की मेडिसिन होती है, वो एज के हिसाब से दी जाती है। जैसे अगर बच्चा है तो उसकी थोड़ी अलग डोज होती है, अडल्ट के अलग, और एज की थोड़ी हैवी डोज होती है। तो हो सकता है कि जो वैक्सीन बनी है ये भी उसी हिसाब से काम करे, कि जो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, बोले या एज है, उनकी जो डोज है वो मल्टीपल हो सकती है।
हु वुड गेट अ वैक्सीन, किसे वो वैक्सीन है वो सबसे पहले मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा, जब हमारी वैक्सीन है ये बन जाएगी, मतलब जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं ये पॉजिटिव आएंगे, वैक्सीन एकदम तैयार हो जाएगी, तो सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। कोविड 19 पेशेंट की लिस्ट बना ली जाएगी जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, उन लोगों को ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा पहले प्रोवाइड होगी और उसके बाद धीरे धीरे रेगुलेट हो जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड ईजली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और आपको लगता है कोई ऐसा कुछ बात रह गई है या कोई आपका सजेशन, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।